Hello students, the next part from this chapter, the present perfect continuous tense. Let's see the rules. इसमें verb की first form में we use ing, means verb plus ing. Singular number subject है, तो subject और verb के बीच में we use has been. और अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो हैव बीन, और अगर नेगेटिव सेंस है तो हैज हैव, और बीन के बीच में नॉट का यूज़ करते हैं. वही इंट्रोगेटिव है अगर सेंटेंस, तो सब्जेक्ट के पहले सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट को देखते हुए हैज या हैव का यूज़ होता है. अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसके पहले सिंस, जैसे 2 o'clock है, जनवरी 2015 है, या कोई भी एग्जैक्ट डेट है, मॉर्निंग है, मीन्स वीक नेम है, जैसे संडे मंडे है, तो वहाँ पे वो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं. और अगर पीरियड ऑफ टाइम है, जैसे 3 hours है, 5 days है, 7 months है, 5 years है, और कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं. अब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू दिया गया है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं. तो जैसे ऊपर रूल दिया गया था, आई वी यू दे है, उसके साथ हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours. अब यहाँ पे जो 2 hours है ये पीरियड ऑफ टाइम है, और अगर यहाँ पे मॉर्निंग होता, मंडे होता, एग्जैक्ट कोई टाइम दिया होता, तो वहाँ पे सिंस का यूज़ हो जाता. ही हैज़ और शी हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours. वहीं नेगेटिव सेंस देना हो तो आई वी यू ऑब्लिक दे हैव नॉट बीन स्टडिंग. अब यहाँ पे नॉट का यूज़ हैव और बीन के बीच में है. स्टडिंग सिंस 8 o'clock. अब यहाँ पे सिंस का यूज़ किया गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट ऑफ टाइम है. She oblique he has not been studying since 8 o'clock. अब अगर interrogative बनाना है तो singular number subject है, plural number subject है, उसके according has या have का use करेंगे. Okay? अब आपकी जो exercise है, जैसे 2 इसमें हैं, पूनम dash for her uncle for 2 hours. अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना है, यहाँ पे सिंस या फॉर का यूज़ है. जैसे दे, फिर यहाँ पे भी सिंस या फॉर का यूज़ है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. फिर आता है पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, जो पास्ट की इंसिडेंट को बताए, पास्ट टाइम के एडवर्ब्स या एडवर्ब फ्रेजेस का इसमें यूज़ होता है. जैसे यस्टरडे है, लास्ट नाइट है, तो ये सिंपली इंडिकेट करेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है. फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ पास्ट हैबिट को शो करने के लिए भी किया जाता है. जैसे ही वेंट फॉर अ वॉक डेली, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज प्रेड इन द मॉर्निंग, शी ऑलवेज कैरीड अ वॉकिंग स्टिक. तो यहाँ पे सिंगुलर या प्लूरल सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है. निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डिड नॉट का यूज़ करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है. पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें डिड का यूज़ सब्जेक्ट के पहले किया जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है. सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है. जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव इसमें है. तो अफर्मेटिव है तो ही गेव मी ब्रेड यस्टरडे, दे डिड नॉट गिव मी ब्रेड यस्टरडे, डिड यू गिव मी ब्रेड यस्टरडे. गोइंग अहेड, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं. तो इसमें क्या है, दे वर रीडिंग द
द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग. पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ ऑलवेज कंटिन्यूली एटसेट्रा के साथ भूत जो पास्ट की परसिस्टेंट हैबिट्स हैं को शो करने के लिए किया जाता है. ही वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग. अब रूल्स क्या हैं. वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज़, फिर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच वॉज, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच वर का यूज़ करते हैं. वहीं निगेटिव सेंटेंस में वॉज या वर के बाद नॉट का यूज़ होता है. वहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वॉज या वर का यूज़ सब्जेक्ट के पहले करते हैं, और सेंटेंस के अंत में लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स का यूज़ होता है. देखते हैं फॉर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में. तो वी, यू, दे ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हैं. तो वर प्लेइंग, यहाँ पे वर का यूज़ होगा. वर प्ले आईएनजी बास्केटबॉल. आई, ही, शी वॉज प्लेइंग बास्केटबॉल. निगेटिव में वी, यू, दे वर नॉट प्लेइंग बास्केटबॉल. आई, ही, शी वॉज नॉट प्लेइंग बास्केटबॉल. वहीं इंट्रोगेटिव वर, अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो वर को पहले लिखेंगे, और वी ऑब्लिक यू ऑब्लिक दे प्लेइंग बास्केटबॉल. और अगर सिंगुलर है तो वॉज, ही ऑब्लिक शी प्लेइंग बास्केटबॉल. ओके, तो ऐसी आपकी एक्सरसाइजेस जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है वहाँ पे कैसे फिलअप करना है, तो रूल्स माइंड में रखते हुए उसको फिलअप करना है. ओके, थैंक यू.